चंडीगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ वो हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने सरकार बर्खास्तगी की मांग की है। 20 जून को राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में मुलाकात की जाएगी राज्यपाल से। पहले भी राज्यपाल से मिल चुके हैं कांग्रेस के नेता, अब एक बार फिर से मुलाकात करने की मांग की है और हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग कांग्रेसी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मांग नई नहीं है, पहले भी वो ये लगातार कह रहे हैं कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग एक बार फिर से तूल पकड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने अब सरकार बर्खास्तगी की मांग की है, राज्यपाल से मुलाकात करने का समय और देखिए 20 जून को मुलाकात हो सकती है राज्यपाल और कांग्रेस नेताओं में। तो बड़ी जानकारी आप तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार बर्खास्तगी की मांग की है, हरियाणा सरकार को बस बर्खास्त किए जाने की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। 20 जून को राज्यपाल से भी मिल सकते हैं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मुलाकात करेंगे, फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम लगातार साझा कर रहे हैं। साहिल रुखाया मेरे सहयोगी जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। साहिल, हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग अब और तेज होती जा रही है विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल मनीषा, कांग्रेस के विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जो है वो 20 जून को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में राज्यपाल से मुलाकात करेगा और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि वर्तमान भाजपा सरकार जो है वो अल्पमत में है, सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। तो इससे पहले भी कांग्रेस के दो विधायकों की ओर से राज्यपाल को जो है एक मेमोरेंडम सौंपकर भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग जो है वो की थी। तो फिलहाल प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटें जो है वो खाली हो चुकी है और भाजपा के पास सदन में 41 सीट है और जबकि एक निर्दलीय और हलोपा का समर्थन है। कांग्रेस के पास 29 विधायक और जेजेपी के पास 10 विधायक है। 4 अन्य निर्दलीय विधायक जो है जिसमें 3 पिछले तीनों भाजपा के समर्थन वापिस ले चुके हैं और अन्य विधायक पहले भी भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। तो इनेलो के एक विधायक है, रानिया से बिजली मंत्री जो रंजीत सिंह जो है उनकी ओर से इस्तीफा जो है पहले दिया जा चुका है और बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का जो पिछले दिनों निधन हो गया। तो ऐसे में अब लगातार जो है फिर से विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ जो है मुखर होने पे जो है मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से दोबारा से राज्यपाल से मुलाकात करने की बात जो है वो कही जा रही है। साहिल, लेकिन मुलाकात के बाद क्या संभावनाएं हैं, क्या कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कांग्रेस के नेता कर सकते हैं? आप जिस व्यक्ति से ठीक है, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे साहिल, जिन्होंने बताया कि लगातार ये जो मांग है वो तेज होती जा रही है और पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। पहले भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं और पहले भी मुलाकात के बाद राष्ट्रपति शासन लागू करने की राज्यों में मांग की गई थी, एक बार फिर से 20 जून को मुलाकात करने की जानकारी मिल रही है। तो कांग्रेस ने सरकार बर्खास्तगी की मांग की है, 20 जून को राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस नेता।